फिर से रिडॉक्स रिएक्शन में आज बात करेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। कल हमने कुछ बातें यहाँ पे सीख चुके थे और ये भी वहाँ पे डिक्लेयर हो गया था कि हम लोग आयन मेथड से किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आज ये चीज़ को हम डिटेल में जाने वाले हैं और समझने का कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस किस तरह से करते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पीछे का अगर वो दो वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, किस पार्ट को ऑक्सीडेशन कहा जाता है और किसको रिडक्शन कहा जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो दो वीडियो को देखें ताकि ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से किया जाता है। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर एन्ना आज आपको बेहतर तरीका से समझाने का कोशिश करूंगा कि आपको 100% ये समझ में आ जाए। चलिए देखिए, ये वायलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली हम रिडॉक्स रिएक्शन को दो मेथड से बैलेंस करते हैं। पहला मेथड होती है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड होती है आपका आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड को आप हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी जानेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। करना हमको कुछ भी नहीं है, केमिकल रिएक्शन को केवल क्या करना है, बैलेंस करना है। चाहे आप ऑक्सीडेशन मेथड से कीजिए या हाफ रिएक्शन मेथड से कीजिए। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे इस सेकंड नंबर की, जिससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। यहां पे जाने से पहले इसकी कुछ रूल्स होती है, उस रूल्स को भी आपको हम थोड़ी सी बता दें जो शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है। बुक में देखेंगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिखी होती है, उसको हमने अपनी भाषा में केवल 4-5 पॉइंट लिख के आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या रूल है हाफ रिएक्शन मेथड को संतुलित करने का, बैलेंस करने का। तो देखिए, रूल ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड का रूल, पहला रूल क्या है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम्स। जो रिएक्शन दिए हुए होंगे उस पूरा रिएक्शन का, हर एक एटम्स का आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होगा। हमने फर्स्ट वीडियो में ये चीज आपको सिखा दिया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरे मेथड चलिए, राइट हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब उसमें आप रिएक्शन देखेंगे तो एक पार्ट आपका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा पार्ट रिडक्शन होता है। उस दोनों का आधा आधा रिएक्शन को हमको क्या करना है, लिखना है। थर्ड रूल्स क्या कहते हैं, बैलेंस बोथ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। वहां पे जो दो हाफ रिएक्शन लिखे होंगे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। रूल्स नंबर फोर में देखिए, ऑक्सीजन इज लेस दैट साइड इन एसिडिक मीडियम। अम्लीय माध्यम में जिस ओर ऑक्सीजन की कमी हो उस ओर हम क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और जिस ओर हाइड्रोजन की कमी है उधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज लेस दैट साइड इन एसिडिक मीडियम देन एडिंग ऑक्सीजन एंड दैट साइड लेस हाइड्रोजन ऑल्सो एडिंग हाइड्रोजन। ये केवल एसिडिक मीडियम के लिए है, अम्लीय माध्यम के लिए है। जिस ओर ऑक्सीजन की कमी होगी उस ओर ऑक्सीजन जोड़ेंगे, जिस ओर हाइड्रोजन की कमी होगी उस ओर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये आपका रूल नंबर फोर। रूल नंबर फाइव की हम बात करें, इन बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम की बात कर रहे हैं हम लोग, इन बेसिक मीडियम इफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अगर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है देन एडिंग OH, अगर जिस ओर आपका इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस ओर आप OH जोड़ेंगे। एंड डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, अगर जिधर हाइड्रोजन की कमी है तो उस ओर आप क्या जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी पांच रूल्स थी जो इसी के आधार पे हम अभी हाफ रिएक्शन मेथड को बैलेंस करने वाले हैं। तो चलिए पहला रूल क्या कहता है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है SnCl2 plus AuCl gives Au plus SnCl4। यहाँ का हर एक एटम्स का हमको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में हम बताते हैं। यहाँ पे Sn है तो Sn का अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो Sn के लिए हम क्या मानेंगे, Sn के लिए हम मानने वाले हैं X प्लस Cl का माइनस वन होता है, Cl आपका 2 टाइम, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट यानी कि जीरो होगा। तो क्या हुआ आपको प्लस माइनस, माइनस टू बन जा 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको प्लस 2 मिलने वाली है। यानी यहाँ पे Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला, आयन मिला, वो Sn प्लस 2 मिला। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का आपको पता है क्लोरीन का आपका माइनस 1 होता है। Au की बात करें हम तो Au में निकालना चाहें तो Au की जगह में x मानेंगे, प्लस का साइन देंगे, Cl के लिए माइनस 1, Cl 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है जीरो, तो x प्लस माइनस, माइनस 3 बन जा 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे प्लस 3 मिलने वाला है। मतलब ये Au के पास में Au में आपका प्लस 3 चार्ज है, क्लोरीन का आपको पता है क्लोरीन का आपका माइनस 1 होता है। इधर आइएगा, ध्यान दीजिएगा, Au का मतलब जब कोई कंपाउंड या एलिमेंट सिंगल केस में हो तो डायरेक्टली उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि यहां पे Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जीरो हो गया। SnCl4 में आइए, Sn का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो Sn के लिए x प्लस फिर Cl के लिए माइनस 1, 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं इक्वल टू 0, तो x प्लस माइनस, माइनस 4 वन जब 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 4। यानी कि यहाँ पे आपका Sn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 मिल रहा है, Cl का आपको पता है Cl का माइनस 1 होता है। तो इस तरह से सबसे पहले आप हर एक एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे तभी आप इस हब रिएक्शन मेथड को सीख पाएंगे। तो चलिए ये हमने कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, अब हम इसको यहां पे लिखने के लिए इस भाग को मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने Sn का कैलकुलेट किया था, Sn का इस केस में कैलकुलेट किया था प्लस 2, Cl का कैलकुलेट किया था माइनस 1, Au का कैलकुलेट किए थे प्लस 3 और Cl का कैलकुलेट किए थे माइनस 1। तो क्या हुआ, इधर Cl जो इक्वल है उसको हमको नहीं देखना है। इस तरह से हम यहां पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए। सेकंड पॉइंट पे आइए, राइट हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पे कौन आपका ऑक्सीडेशन हुआ और कौन रिडक्शन हुआ, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है वो आपका रिडक्शन कहलाएगी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास में क्या है, Sn plus 2 give, इधर आपका Sn plus 4 में है, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2, इधर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन को हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन का एक हाफ रिएक्शन लिख दिए। दूसरा हमको हाफ रिएक्शन लिखना है रिडक्शन का, तो रिडक्शन का भी लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपका क्या है यहाँ पे, Au प्लस 3 गिव Au 0, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, घट रहा हो, यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ पे क्या है आपका 0, तो सीधी सी मतलब है कि ये आपका क्या है, रिडक्शन है। इस तरह से हमने सेकेंड रूल भी पूरा किया।
दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या लिख दिए, हाफ रिएक्शन लिख दिए। तीसरा देखिए, वैलेंस बोथ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट होंगे उसको हमको सबसे पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि SN में प्लस 2 और SN में प्लस 4, यानी कि यहाँ पे आपका 2 ज्यादा है इससे कंपेयर करें तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, तब ये SN आपका SN2 बनेगा। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे AU में 0 और यहाँ पे 3, तो इसके बराबर लाने के लिए हमको फिर से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इस तरह से दोनों इक्वेशन पे आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आप किसी भी नंबर से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गई। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, चलिए किस तरह से जोड़ते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। 3 से सब मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3SN+2, ये साइड का सबको एक को लिखेंगे, फिर प्लस क्या है आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2AU+3+3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव। अब ये क्या बन गया आपका, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बड़ा, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है। फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3SN+4+3 2 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2AU। ध्यान दीजिएगा अब दोनों ओर आपका 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है, इक्वल है। आगे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पे जो SN है, ये पूरा SN जो ऊपर इक्वेशन में दिया हुआ है जिस पार्ट में, इधर के लिए SN, उस पूरा टर्म को यहां पे लिखेंगे। देखिए SN है तो SN का क्या टर्म है, पूरा SNCl2 और SN के आगे क्या लिखा हुआ है, 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, AU जिस टर्म पे है उस पूरा टर्म को लिखेंगे AUCl3। अब AU के आगे 2 है तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एरो का साइन लगाएंगे। फिर से SN देखिए जिस टर्म पे है, यहां पे SN उस पूरा टर्म को लिखेंगे SNCl4, इस SN के आगे 3 लगा हुआ है, यहां पे हम लिख देंगे 3। फिर प्लस ध्यान दीजिएगा अब क्या लिखा हुआ है आपका, AU, तो AU केवल एक है, यानी कि AU के आगे 2 जुड़ा हुआ है, आप यहां 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, इस तरह से आपका ये जो इक्वेशन मिलता है, ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको कैलकुलेट करके देखिए, SN हमारा यहां पे कितना टाइम, 3 टाइम SN, 3 टाइम क्लोरीन, कितना टाइम, 3 2 6 और 3 2 6 12 टाइम, यहां पे देखिए 4 3 12 क्लोरीन। AU कितना टाइम, 2 टाइम, यहां देखिए AU 2 टाइम। इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड कहा जाता है। चलिए आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन लाते हैं, आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और बनाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन समझिएगा, CuO+NH3 गिव CU+H N2
N2+H2O, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हमको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है, और उसके लिए हमको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होगा। चलिए Cu अब समझ चुके हैं, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। ऑक्सीजन, यहां पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कुछ, इसलिए ऑक्सीजन का नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। यहां पे NH3 NN का -3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की भी बात हम बाद में करेंगे। इधर Cu का 0, यहां पे नाइट्रोजन है यानी कि N2 है, कोई चार्ज नहीं, मतलब 0, H2O को हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हुआ कि Cu+2 गिव Cu0। तो यहां पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है Cu का, मतलब ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यहां पे देखिए N-3 इधर गए तो क्या मिल गया, N को चाहे तो आप 2N लिख सकते हैं या केवल N भी लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। N2 है, N2 के लिए आप चाहे तो N2 लिख सकते हैं या नहीं चाहे तो केवल N लिख सकते हैं। तो यहां पे गए तो N के ऊपर में कैसा चार्ज आ गया, 0 चार्ज, मतलब ये माइनस से 0 की ओर गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन था। अब इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमको देखना है कि इधर +2 है, इधर क्या है आपका 0। तो यहां से इस केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करना होगा, निकालना होगा इसके बराबर करने के लिए। अब यहां पे क्या है आपका -3 है, तो -3 है तो यहां पर 0 है, तो इससे आपको फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, निकालना होगा, तब इसके बराबर होगा। फिर से यहां पे वही कहानी बनी, दूसरा पॉइंट कि बैलेंस हमको यहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बैलेंस करना है, तो क्या करें हम, यहां पे 2 यहां पे 3, तो फिर से इसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने के बाद में ये पूरा रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 Cu+2 हो गया, 3 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्लस ये 2 2N-3 हो गया। अब ये रिडॉक्स बन गया, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, मतलब रिडॉक्स बन गया। आगे ध्यान से देखिएगा, 3Cu आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, प्लस N2 या 2N लिखना चाहे हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई है तो 2N लिख सकते हैं। चलिए हम 2N ही लिख देते हैं यहां पे, 2N प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन फिर से आया। ध्यान से देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ओर क्या है, इक्वल, यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया। अब इसकी हम बात करें तो हमको क्या मिला, हमको मिला 3Cu+2 प्लस 2N-3 गिव 3Cu+2N। इस तरह से यहां पे एक इक्वेशन बनी हमारा। आगे ध्यान दीजिएगा, अब Cu में जो कंटेंट है उसको उसके साथ में हम लेके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, Cu में आपका ऑक्सीजन कंटेंट है, मतलब CuO, यहां पे Cu के आगे 3, तो यहां पे 3 लगाएंगे, प्लस ये N के साथ में कौन कंटेंट है, NH3, यहां पे क्या लगाएंगे, NH3, N के आगे 2 है, 2 लिखेंगे। आगे चलिए फिर से देखिए, Cu आपका जियो का क्यों है, यानी कि 3Cu प्लस क्या ये N2 को हम 2N या N2 जो मर्जी आप लिख सकते हैं, 2N भी है इसके बराबर है, N2 लिख सकते हैं या 2N लिख सकते हैं, प्लस यहां पे ध्यान दीजिएगा H2O है, H2O है। तो क्या बोला गया यहां पे कि जिधर हाइड्रोजन है
मतलब जिधर आपका ऑक्सीजन है, जितनी टाइम ऑक्सीजन है उतनी टाइम इधर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, ये तो लिखा हुआ है। O इज लेस देन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम देन एडिंग O। तो ध्यान से देखिएगा, इधर ऑक्सीजन आपका तीन टाइम हो गया, इधर ऑक्सीजन केवल आपका क्या हो गया, एक टाइम हो गया। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, उधर ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ना होगा हमको ऑक्सीजन से बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे हमको क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। और ये जो आपको इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन को आप चेक करेंगे, ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। और इस तरह से जिस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं उसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। बात समझ में आती होगी, क्लियर? चलिए अब फिर थोड़ी हम टफ, थोड़ा सा टफ बैलेंस की ओर चलते हैं और उसको भी सीखने का कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे, चलिए हम लोग एक टफ क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका Cr2O7-2+ Fe+2+ H पॉजिटिव गिव Fe+3+ Cr+3+ H2O। ये रिएक्शन को देखेंगे, ये रिएक्शन को भी हमको क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। तो इस केस में ये देखिएगा, यहाँ पे 2 Cr है तो केवल हमको 1 Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो हमको मिल जाएगी इस केस में +6। ऑक्सीजन की बात हम बाद में करेंगे, बाकी में आयन लगी हुई है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका हाफ रिएक्शन Cr+6, ये आपको यहाँ पे मिल गया Cr+3। दूसरा देखिए Fe+2, इधर मिल गया आपको Fe+3। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस, जो इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहां पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि इधर 3, तो इससे दोनों को कंपेयर करें और दोनों को बैलेंस करें तो यहां से हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, तब जाके क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गया तो क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब 6 में 3 गया तो 3 हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, इधर +2 और इधर +3, मतलब यहां से भी आपको एक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका घट रहा था मतलब ये रिडक्शन था, और ये बढ़ रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन था। अब बात करें हम इसकी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हुई उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, ध्यान से समझिएगा कि अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बात यहां पे क्या होती है कि यहां पे Cr2 2 बार है, मतलब हमको 2 लिखना ही पड़ेगा। एक बार फिर से बताते हैं, Cr हमने केवल 1 का कैलकुलेट किया है जबकि क्वेश्चन में आपका Cr 2 बार है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी चलेगा, या आप सबके आगे 2-2 लिख देंगे तब भी चलेगा। अब क्या हुआ इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 हो गया जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से हम इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये 2 Cr+6+3 2+6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 Fe+2 गिव, ध्यान दीजिए, 2 Cr+3+6 Fe+3+6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास में, जो Cr जिस टर्म पे है उस पूरा टर्म को हम लिखते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा पूरा इक्वेशन को, पहले क्या बचा उसको ध्यान से लिखिएगा,
कि यहाँ पे सीआर टू है और यहाँ पे टू सीआर है, इसका यह मतलब हुआ कि हम इसका आगे अभी टू नहीं लिखने वाले, क्योंकि इसका आगे ऑलरेडी टू है और यहाँ पर भी टू है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस, ये देखिए एफ ई सिक्स एफ ई प्लस टू गिव, यहाँ पे एच भी प्रेजेंट है, चलिए हम एच को भी लगा देते हैं, एच गिव ये टू सी आर प्लस थ्री, अब ये एफ ई के आगे प्लस सिक्स एफ ई थ्री लिखा हुआ है प्लस एच टू वो लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए देंगे। अब फिर आगे के नियम हम क्या जानते हैं कि इधर ऑक्सीजन आपका सेवन हुआ और इधर ऑक्सीजन केवल वन है, तो जिधर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिधर क्या हो रही है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जितना कमी हो रही है उतना हम ऑक्सीजन को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब इधर सेवन ऑक्सीजन इधर हमारा वन ऑक्सीजन, मतलब इसका आगे अगर हम सेवन लिख दें तो इधर भी हमको सेवन ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब रही हाइड्रोजन की बात, अब जिधर हाइड्रोजन कमी हो रही है उधर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन यहां पे कितना हुआ सेवन टू जा फोर्टीन, जबकि इधर हाइड्रोजन केवल आपका क्या है वन है, तो इस हाइड्रोजन के आगे हम फोर्टीन लिख देंगे, क्लियर। और इस तरह से ये जो इक्वेशन आपको मिला ये बैलेंस इक्वेशन मिला। अब ये बैलेंस है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए हम इसकी आयन को क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं, अगर दोनों ओर आयन हमारा इक्वल है तब ये हमारा इक्वेशन भी क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए इसका आयन, इसका भी कुछ नहीं मतलब वन है, वन और माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस टू, बीच में प्लस का साइन प्लस सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे ट्वेल्व, फिर प्लस फोर्टीन, प्लस में वन है फोर्टीन वन जा फोर्टीन, इधर को देखिए टू थ्री जा सिक्स प्लस ये क्या हो गया सिक्स थ्री जा एटीन प्लस सेवन, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव मतलब जीरो है, तो सेवन जीरो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए ट्वेल्व में टू माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा टेन, टेन प्लस फोर्टीन क्या मिल गया ट्वेंटी फोर, इधर भी एड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा ट्वेंटी फोर, तो इस तरह से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है आपका बैलेंस हो जाती है। और यही सारी मेथड को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड के नाम से जाना जाता है। एक चीज और रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि अगर आप स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ चुके हैं और आपको समझ में नहीं आया तो आप ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसका वीडियो आप सीक्वेंस में देखें तो आप बेटर समझ पाएंगे, ठीक। तो चलिए और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहां पे आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, ये है क्वेश्चन नंबर फोर आपके लिए, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe प्लस टू गिव Fe प्लस थ्री प्लस Mn प्लस टू, ये देखिए ये रिएक्शन, चलिए ये रिएक्शन को आप थोड़ी देरी करने का कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। चलिए इस केस में भी हम लोग समझते हैं कि यहां पे Mn, जो Mn आपको दिखाई दिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको प्लस सेवन मिला और बाकी में आपका आयन प्रेजेंट है, तो हाफ रिएक्शन लिख दीजिए। ध्यान से देखिए Mn आपका प्लस सेवन, इधर है आपका Mn प्लस टू, आगे ध्यान से देखिएगा एफ ई प्लस टू है, इधर आपका एफ ई प्लस टू है यानी कि एफ ई प्लस थ्री है, ये देखिए इस तरह से। अब क्या हुआ यहां पे,
कि यहाँ पे 7 आयन प्रेजेंट, यहाँ पे 2 आयन प्रेजेंट, मतलब यहां से हमको इसका बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा, तब ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह से इसको बैलेंस करने के लिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तब ये इसके पास बराबर हो जाएगा। अब क्या करें हम, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए उस इलेक्ट्रॉन्स को भी तो क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस कैसे करें, यहां पे 5 है और यहां पे क्या है आपका 1 है, मतलब ये हुआ कि इसको बैलेंस करने के लिए केवल इस इक्वेशन को हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा, Mn प्लस 7 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 Fe प्लस 2 गिव Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स से ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो। अब आपके पास में क्या बचा उसको ध्यान दीजिए, ये जितना भी टर्म है इस पूरा टर्म को हम लिखने वाले हैं, Mn, Mn यानी ये पूरा आपका है, मतलब Mn O 4 प्लस Fe के आगे क्या लिखा हुआ है 5 Fe, यहां पे माइनस का साइन देना चाहते हैं दे सकते हैं, प्लस 2 आगे इधर Fe में फिर 5 Fe प्लस 3 फिर Mn में प्लस 2 प्लस 2 Mn में प्लस 2। अब थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिएगा कि इधर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, जबकि इधर ऑक्सीजन नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि जिधर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो जिधर ऑक्सीजन है उधर हम क्या जोड़ने वाले हैं, H2O जोड़ने वाले हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन कितना टाइम है आपका 4 टाइम, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पे क्या लिख देंगे H2O। अब ऑक्सीजन कितना टाइम है वहां पे, ऑक्सीजन इधर 4 टाइम हमने H2O जोड़ा, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यहां पे 4 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको लिखें तो इधर हाइड्रोजन की कमी हो गई, अब इधर हाइड्रोजन कितना 4 टू या 8, तो यहां पर आप 8 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। और इस तरह से ये जो इक्वेशन बनता है ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा Mn आपका कितना 1 टाइम, Mn 1 टाइम, ऑक्सीजन 4 टाइम, ऑक्सीजन 4 टाइम, Fe 5 टाइम आपका, Fe 5 टाइम, हाइड्रोजन 8 टाइम आपका, हाइड्रोजन 8 टाइम, मतलब ये हुआ कि MnO4 प्लस 5Fe प्लस 8H गिव 5Fe प्लस Mn प्लस 4H2O। इस तरह से ये आपका बैलेंस हो जाती है, बात समझ में आया होगा। अगर हम हाँ इसको इजी मेथड में चलना चाहें तो इजी मेथड में चलने के लिए भी हम इसको एक ट्रिक बता देते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन करेंगे, चलिए हम आपको हम इसका इजी वे में बता देते हैं कि क्या हुआ यहां पे उसको, कि Mn का आप कैलकुलेट कर लेंगे, Mn का कैलकुलेट करने के बाद में इधर क्या है आपका 7, 7 है, मतलब आपको यहां पे क्या मिला 7 आयन, और इधर आपका Mn का 2 आयन, मतलब यहां पे ये हुआ Mn प्लस 7 और इधर क्या हो गया आपका Mn प्लस 2। तो ये कितनी की डिफरेंस है, यानी कि सीधे किसकी डिफरेंस है 5 की डिफरेंस है, तो 5 दिखा। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आपको यहां पे मिलने वाली है उस इलेक्ट्रॉन्स को आपको बैलेंस करना होगा, मतलब Fe प्लस 2 है और इधर आपका Fe प्लस 3 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे डायरेक्टली आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसका क्या मतलब, यहां भी आप 5 डाल दीजिए, यहां पर भी क्या डाल देंगे 5 डाल देंगे, यही कहानी है और कुछ भी नहीं करना है।
आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, Fe के आगे दोनों में Fe Fe है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास में, इधर ऑक्सीजन कितना, चार, तो इसकी इधर आप 4 टाइम H2O जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 to 8, तो इधर आप 8 टाइम हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म पे आपका इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। बात समझ में आया होगा। तो ये थी हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये पूरी सारी जो हमने रिएक्शन पढ़ा उसको हम जानते हैं आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड से, जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आप कंफ्यूज में पड़ सकते हैं। आप वीडियो जो पहले हमारा 2 वीडियो अपलोड हो चुकी वो वीडियो को देखेंगे और उससे जब आप पढ़ते आएंगे तब ये बातें आपके लिए इजी लगने लगेगी। तो अगर ये केमिस्ट्री की क्लास आज की अच्छी लगी है तो आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुली हुई है, आप सजेशन दे सकते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं आज जितने भी हम यहाँ पे बैलेंसिंग सीखे वो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए केमिस्ट्री की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।